बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या काम है ये तो आप सभी लोगों को पता है। जो बुलेट लोहा स्टील जैसे धातु को भेद कर निकल जाता है वो कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट के सामने टूट कर बिखर जाता है। किस चीज से बनाया गया बुलेट प्रूफ जैकेट और कब और कैसे, चलिए जानते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट की जो सोच है आज से नहीं राजा महाराजा के समय से चली आ रहा है, लेकिन राजा महाराजा के टाइम पे तलवार और बल्लभ प्रूफ था। और आज जैसे हथियार आधुनिक होते गया, जैकेट भी आधुनिक होते गया, बुलेट और गोलाबारूद से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का जरूरत बहुत पहले ही, लेकिन इसका खोज प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही किया गया। फिर फ्लैक्स नाम का बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार हुआ। एक कारगर तो था लेकिन वजन में भारी था। लेकिन 1961 में केवलर नाम का सिंथेटिक फाइबर का खोज किया गया, जिसे हल्के और गोली को रोकने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया। आप जान के हैरान होंगे इसका खोज टायर बनाने के लिए किया गया। केवलर नाम का सिंथेटिक फाइबर, आप इसे प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, ये बहुत हल्का और लचीलेपन है। इसका एक खूबी है, कोई भी गोली अगर इस पर आता है तो उसका ऊर्जा को उसका ताप को सूख लेता है और गोली टूट कर बिखर जाता है और इसी फॉर्मूला से एक काम करता है। इसी तरह जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब से लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।